राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। 136 दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। कुछ ही देर में संसद में पहुंचेंगे राहुल गांधी। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी गई है और अब लोकसभा सदस्य के तौर पर थोड़ी देर में संसद पहुंचेंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है। मार्च 2023 में उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। फिलहाल बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये देखिए सीधी तस्वीरें, हमने आपको बताया था कि थोड़ी देर में पार्लियामेंट पहुंचेंगे राहुल गांधी और ये वहीं की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद सदस्य के तौर पर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, सदन में पहुंचे हैं राहुल गांधी और सीधी तस्वीरें इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं आप। राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं और सबसे पहले गांधी जी की प्रतिमा के सामने तस्वीरें आपने देखी राहुल गांधी की, पहुंचे हैं सांसद राहुल गांधी। हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अपनी सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे, तो संसद से तस्वीरें आपने देखी अपने टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी की वापसी हो गई है संसद सदस्य के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, इसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त राहुल गांधी ने संसद पहुंचकर सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के की मूर्ति को, उनके मुजस्समे को नमन किया और फिर उसके बाद देखते हैं अब आगे संसद सदस्य के तौर पर राहुल गांधी के क्या तेवर होते हैं, किस तरह अपनी बात रखेंगे वो, अब विपक्ष की भूमिका में किस तरह से आएंगे, ये तमाम बातें बेहद दिलचस्प होंगी। ये बड़ा अपडेट है। राहुल गांधी और कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है इसे, जब से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है और इसी के साथ उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये देखिए संसद पहुंचकर सबसे पहले किस तरह राहुल गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने पहुंचे, उन्हें नमन किया और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई में शामिल होंगे। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। 23 मार्च को उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, इसके 24 घंटे में 24 मार्च को उनकी सांसदी चली गई, सजा का ऐलान किया गया था 23 मार्च को। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा था। फिर राहुल ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।